काम है ये भाई। वो खैर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो खैर छुआरे चेक करो जरा। आई बोंग हेलो जी बोंग दो राने बकरे की यूज की। ठीक है ये देखो कि इसका कितना खूबसूरत कलर है गोश्त का। इसे ब्लूइश कलर मीट ये तैयार हुआ। ये वाला मसाला तैयार होगा। मसाला तैयार होगा जो बेसिकली हमने सारे गोश्त में। ठीक हो गया। तो अगर आप रिब केज देखें तो इसमें हाफ नेक होती है। ठीक है ये आपकी आपकी बैक बोन है। ये जो है ना यहाँ से नीचे से इसको जो है ना उन्होंने होल्ड कर दिया सारा और ऊपर से इसको बांध दिया। ये यूं जाएगी ऐसे अंदर और ये गिरेगा नहीं इसे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। दिस इज आगे मुबीन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के अंदर। हम जाएंगे आज आसिम बट साहब के घर पे। वहाँ पे हम एक स्पेशल किस्म का खड्डे के अंदर चावल और गोश्त को चेक करेंगे, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। वो खड्डी कबाब नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की रेसिपी है स्पेशल। आपको ये प्लेटर अगर आपने खाना है तो आपको अंबरसरिया में मिल जाएगा। लेकिन अभी हम उनके घर जाएंगे, उनके घर जाकर सारा प्रोसेस देखेंगे। इसमें आपको हम रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ बकरा नहीं होगा, इसमें हमारे पास बोंग भी होगी और इसमें हमारे पास चिकन भी होगा जो कि स्किन वाला होगा। ये सारी रेसिपी कैसे तैयार करते हैं, चावलों के अंदर क्या क्या डालना है, चिकन को कैसे मैरिनेट करना है, मटन को और बीफ को कैसे मैरिनेट करना है, सारी मैरिनेशन और सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा यार आज जो है ना हम थोड़ा डिफरेंट तरह का व्लॉग है क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पे हम खड्डे के अंदर जो है ना बकरा तैयार करेंगे। बकरा पूरा नहीं है, बकरे के हमने ऑलरेडी पोर्शंस बना के रख लिए हैं। तो सारा कुछ जो हम कैसे बनाएंगे वो मुझे तो पता नहीं है, वो व्हाट्सएप भी बताएंगे आपको। तो आज हम क्या करने लगे हैं, हम बेसिकली एक आपका बकरा होता है जिसमें आप पूरा बकरा खड्डे में बारबेक्यू करते हैं, वो खड्डी कबाब जिस तरह कह लो। ठीक हो गया। ठीक है उसमें लिमिटेशन ये होती है कि आप सिर्फ बकरा खाते हैं। ठीक है आप मल्टीपल किस्म के पोर्शंस नहीं उसमें डालते, एक ही फ्लेवर आता है, एक ही फ्लेवर आता है बिल्कुल। प्लस उसमें आपका ये होता है कि आपकी जो ऊपर वाला लेयर है ना वो बारबेक्यू टाइप होता है, क्रिस्पी हो जाती है, क्रिस्पी हो जाती है। हम उस तरह भी करते हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम सीरियन अंदाज के खड्डे को यूज करेंगे और स्पाइसेस अपने और स्पाइसेस हम अपने करेंगे बिल्कुल ठीक। और उसमें हमने एक और वेरिएशन आज जो आपको दिखाएंगे जो ज्यादातर लोग बिल्कुल नहीं करते कि उसमें हम दो लेग्स डालेंगे, दो रिब केज डालेंगे। ठीक है और उसमें चिकन भी हम दो डाल देंगे। ठीक है एक आधी मैंने आपके और अपने खाने के लिए बोंग भी रखी है, वो बिल्कुल बहुत छोटी एज का हमारा बीफ है। अच्छा यार अभी जो है ना जो गोश्त की जो मैरिनेशन है सारी वो कैसे होगी, उसकी सारी रेसिपी है वो भी हम पूछ लेते हैं। तो आपने कुछ अपने पहले से लगा के रखा हुआ है क्योंकि उसको मैरिनेट ज़्यादा करना था, वो जो मैरिनेट किया उसमें हमने लगाया क्या क्या, हमें सिर्फ ये बता दें आप। अच्छा जी एक तो ये है कि हम जो आपको इस वक्त रेसिपी बता रहे हैं वो आपको 10 11 12 किलो के बकरे की रेसिपी बता रहे हैं। जो बेसिक रेसिपी होती है जो खड्डी कबाब की वो बेसिकली नमक होता है। ठीक है वो आप नमक और ज़्यादा से ज़्यादा काली मिर्च लगाते हैं, हमने इसको अपने पंजाबी स्पाइसेस के हिसाब से डेवलप किया हुआ है। ठीक है जी तो आपने एक किलो एक लीटर जो है आपने सिरका यूज़ करना है, एक पूरे बकरे 10 किलो का बकरा, एक किलो 1.1 किलो 1.2 लेकिन एक लीटर काफ़ी है, इट्स मोर देन एनफ। ठीक है वो आपने डालना है, डालने के बाद आपने ये 6 मसाले आप ज़रा दिखा दें, काली मिर्ची है, गर्म मसाला है, हल्दी है, सुरख मिर्च है, नमक है और ज़ीरा पाउडर। ठीक है जी अब आपने क्या करना है कि ये दो चीज़ें आपके मेन होती हैं, तो 5 चम्मच आपने नमक के यूज़ करने हैं, 5 चम्मच आपने लाल मिर्च के यूज़ करने हैं। ठीक है जी उसके बाद आपने काली मिर्च के, मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ तो मैं 3 डालूँगा, आप 2 भी डाल सकते हैं, आप 1 भी। काली मिर्च हल्का सा गोश्त के कलर को काली साइड पर लेके जाती है लेकिन इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है जी हल्दी आपने सिर्फ 1 चम्मच यूज़ करनी है और ये आपको पता है कि बहुत क्लास का स्पाइस है और इससे आपका गोश्त जो है ना उसके अंदर यानी वो आपकी नालियों में नहीं फंसेगा। और इसके ठीक है जी इसके अलावा आपने ज़ीरा जो है वो आपने दो, ये ज़ीरा पिसा हुआ है ये आपने 2 चम्मच यूज़ करना है। ठीक है जी उसके अलावा आपके गरम मसाला है, गरम मसाला आपने 2 चम्मच यूज़ करना है। इसके अलावा आपने इसको फ्लेवरफुल करने के लिए लीमू डालना है, लेमन यूज़ करने हैं, ये आप एक पाव यूज़ कर लें, 3 दाने यूज़ कर लें, 4 दाने कर लें लेकिन जितना इसका खटास का लेवल कम होगा उतना गोश्त ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा ये अगर लीमू के साथ सिरका भी डल गया तो दोनों चीज़ें तंग नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम खटास नहीं होगा। आप अकेला सिरका नहीं, वो जितना ज़्यादा गोश्त है उसके हिसाब से ये रेसिपी कम है। अच्छा तो आप 2 नींबू यूज़ कर लें, आपने नहीं करना आप ना करें। ठीक हो गया इसके अलावा आप 2 चम्मच या 3 चम्मच आप अदरक लहसुन पेस्ट आप यूज़ करें। इस सारे मसाले को पहले आपने मिक्स करना है, उसके अंदर ये वाला
मसाला तैयार होगा, मसाला तैयार होगा जो बेसिकली हमने सारे गोश्त में, ठीक हो गया। वैसे इसके अंदर जो है ना, वैसे मटन में बनता है, लेकिन जो आज जो है इसके अंदर बोंग भी इस्तेमाल करेंगे, बीफ की बोंग होगी और चिकन भी इसके अंदर यूज होगा, और साथ मटन तो है ही है। जो आप गोल खट्टा है ना, इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें हम कॉम्बोज बना सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे कहते हैं कि यार हमें सिर्फ रानने चाहिए, एक बंदे कहते हैं हमें सिर्फ केज चाहिए, हमारे पास उस खड्डे में ये ऑप्शन नहीं होती। तो अगर आप रिब केज देखें तो इसमें हाफ नेक होती है, ठीक है, ये आपकी आपकी बैक बोन है, ठीक है, जानवर की बैक बोन है, बिल्कुल ठीक है, ये उसकी नेक है, ये उसकी चम्पे हैं, और ये उसका सीना है जो शॉर्ट रिब है। तो इस तरफ से आप दोनों तरफ से देख सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा क्वालिटी का जानवर है। इसमें आप फैट लेवल देखें कितना खूबसूरत है, ठीक है जी, ठीक हो गया। हमने क्या किया कि हमने दो रिब केज यूज किए, जो कि एक बकरे में दो रिब केज होती है, ऊपर वाला बकरे का हिस्सा, ठीक है। इसके अलावा हमने एक रान, अच्छा एक रान में दुमची आती है और एक रान दुमची, तो ये हमने दो राने बकरे की यूज की, ठीक है। ये देखो कि इसका कितना खूबसूरत कलर है गोश्त का, इट्स ए ब्लूइश कलर मीट, ठीक है। मतलब इस बच्चे ने अभी अभी मिल्किंग छोड़ी है, अच्छा, और ये अच्छे वेट में आया तो हमने इसको ज़िबा किया, ठीक हो गया। तो अगर आप ये देखें, तो अगर आपका हड्डी का कलर भी देखें तो ये ब्लू है, ठीक है। इसका मतलब है ये मिक्स, इसकी बड़ी फ्लेवरफुल होगी, बिल्कुल दूध की तरह का इस गोश्त का टेस्ट होगा, ठीक हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका ये वाला जो रान है, ये दो राने हमने की है। अच्छा, अब हमने दस्तियाँ और पुट की जगह ना, हम इसमें ये एक बहुत खूबसूरत जानवर था हमारा, इसकी भी अगर आप देखेंगे, ये आप देखें कि ब्लू कलर की है, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। इसके इस जोड़ को आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि कितनी वाइट कलर की इसकी, ये देखें, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी एक बोंग हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे बहुत ज्यादा बच्चे चिकन वाले हैं, अच्छा, तो हम तीन स्किन के साथ, स्किन वाला चिकन यूज होगा, स्किन वाला चिकन यूज करके, क्योंकि ये गिर सकता है, तो हमने उसको ये डिफरेंट जगहों से बांधा हुआ है, हाँ जी हाँ जी, हमने पीतल की तार से, पीतल की तार से इसको यहाँ से बांधा ताकि ये चावलों में गिरे, गिर न जाए। अच्छा, एक चीज और मुझे बताएं कि अब तीन हमारे पास डिफरेंट चीजें, अगर खाली मटन होता तो उसकी कुकिंग लेवल तो एक होना था, हाँ जी, अब तीन डिफरेंट चीजें हैं। पहली बात ये कि बीफ और यानी व्हील में जो कि यंग एज बीफ होता है, और मटन में हम वो जानवर ही वो यूज करते हैं जिनकी एज एक दिन हो, एग्जैक्टली, और हम उसमें पार्ट्स ऐसे यूज करते हैं कि जो पार्ट्स एक साथ तकरीबन गल जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्क रहेगा, ठीक है ना। तो अभी जो है चिकन, हाँ, जो है उसको हमने स्किन के साथ इसीलिए करते हैं कि वो इसको ड्राई नहीं होने देगी, अच्छा वो टाइम लेगा, अगर स्किन के साथ पकाएंगे उसको टाइम लगेगा, स्किन के बगैर जो है ना वो आपको खुश्क हो जाएगा, फटाफट पक जाएगा, हाँ जी। ये आपकी है मछली व्हील की, ये इसके यहाँ तक मछली आपकी बकरे की खत्म हो जाती है, इतना सा फर्क है सिर्फ, हाँ जी, ये छोटा है, छोटा जितना बड़ा होगा, ये अगली वाली मछली है, तो इसलिए ये छोटे साइज की, अच्छा, अगर ये रान की होती तो थोड़ी सी इससे बड़े साइज की थी। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब जानवरों की एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इन दोनों के कुकिंग टाइम के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों बच्चे हैं यानी कि छोटे साइज के जानवर है। इस खड्डे में ये एडवांटेज है कि इट्स नॉट डायरेक्टली हीट पे नहीं है, डायरेक्ट हीट पे नहीं है, स्टीम चावलों की आएगी, स्टीम पे है तो गोश्त होल्ड रहता है। यार आपको खड्डा भी चेक करा, जिस खड्डे के अंदर उन्होंने बनाना है सारा कुछ, वो आप खड्डा भी दिखा देते हैं। दो तरह के खड्डे होते हैं, एक राउंड शेप में होता है और एक जो हमारा रेक्टेंगल शेप में होता है। रेक्टेंगल शेप में जो है ना बकरे शकरे पकते हैं, जो राउंड शेप है उसमें वो बता रहे थे कि उसमें डिफरेंट पोर्शन हम पका सकते हैं इसके अंदर। इसको हमने चूंकि पुलाव की तरह नहीं बनाना, इसको हमने खड्डे के अंदर बनाना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप अमेंड करते हैं टिपिकल चावलों के तरीके से। अच्छा, सबसे पहले हमने 2.5 किलो चावल को भिगो के रखना है, ठीक है। ये हमने चावल भिगो के इसमें से आधा घंटा, क्योंकि इसने अंदर भी 2 घंटे रहना है, तो इसको ज्यादा आपने वो जिस तरह टिपिकल आप 1.5 घंटा भिगो के रखते हैं वो नहीं करना। अच्छा, अब 2.5 किलो चावल में आप 5 लीटर पानी डाल दें। पानी डालने का सिर्फ मकसद ये है कि आप अपना अंदाज़ा बर्तन की शेप का कर ले। हमने ये चूंकि खड्डे के हिसाब से बर्तन सेलेक्ट किए, तो चावल पानी के अंदर भिगोए हुए होने चाहिए। समझ में से सिर्फ इसमें हमने सब्ज मिर्च भी डाली। अच्छा, सब्ज मिर्च जो है ना, ये एक ऐसा क्लासिकल चीज़ है जो हर चीज़ में फ्लेवर देती है। आप बात कर रहे हैं ना इसकी खुशबू से मुझे, हाँ, अच्छा जिस भी चीज़ के अंदर मैंने सब्ज मिर्च खाई है ना, जब भी चाहे वो जो हमने वहाँ पे लम कढ़ाई खाई थी, हाँ जी, उसमें भी जो हरी मिर्च का फ्लेवर था ना वो अलग ही आता है, वो उतने चढ़ जाता, वो बहुत कमाल हो जाए। तो इसको हमने तकरीबन ये आप 1.5 पाव, 1 पाव 1.5 पाव के करीब इसको, अच्छा, डाल के पानी डाल के आप इसकी पेस्ट बना लें, ठीक है, ठीक है जी। अब अगर आप सब्ज वैसे ही डालेंगे तो उसका फ्लेवर चावलों में नहीं आएगा, वो ऊपर अरोमा आएगा, ये मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा, चलो जी सलीम साहब खोल दो, तकरीबन थोड़ा और पा दो, थोड़ा हल्का जो और पाओ। चलो जी, लहसुन अदरक की पेस्ट लें, इसको भी अपने चावलों के हिसाब से हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल लेना, ठीक है। चीज़ है ताडा वही वाला मसाला, ये जैसी वही 6 मसाले मिक्स, वो जो पहले 6 मसाले, अच्छा ठीक, वो 6 मसाले, वो आपका नमक हो गया, हल्दी हो गया, गरम मसाला, मिर्च हो गया, गरम मसाला, काली मिर्च और जीरा, जीरा ठीक हो गया, वो मिला के हम
ये तकरीबन 2 टेबल स्पून हम ये भी डाल देंगे। अच्छा ठीक होगा, ये आपको अरोमा देंगे, ठीक होगा, बहुत खूबसूरत अरोमा देंगे और आपका स्पाइस लेवल मीडियम लेवल का है, ये ज्यादा स्पाइसी। यानी ये अब ये जिस तरह मसाले के अंदर आ गए, अब ये पुलाव तो नहीं रहा बेसिकली, ये चावल है लेकिन ये पुलाव और उसके दरमियान की वजह है, क्योंकि गोश्त का सारा फैट लेवल इसके अंदर चल पुलाव वाला जो फ्लेवर है ना वो बाद में आएगा, आपको पुलाव वाला ही देंगे, ठीक हो गया। चलें जी, अब नमक डालेंगे, ये आप 4 टेबल स्पून इतने चावलों में आप नमक डाल लें, ठीक हो। जो बहुते नमक खाने वाले ने 5 पालन, जो घट खाने वाले 3 पालन, जिन्होंने ब्लड प्रेशर ग्रो पावे ना पाओ। अब ये है, ये इसको अरोमा एक लेवल का देंगे। इसमें खड़े मसाले, इसमें आपकी काली मिर्ची आ गई, आपकी अपना दालचीनी आ गई, छोटी इलायची, बड़ी इलायची आ गई, लौंग आ गया और आपका तेज पत्ता भी आ गया। ये मसालों में एक टेक्निकल चीज होती है, ये फौरन आपके बाकी मसालों के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये आपने हसबे जायका 3-4-5 लौंग डाल लेनी है, एक आधी दालचीनी डाल लेनी है। दालचीनी भी बड़ा पावरफुल चीज है। अच्छा जी, बड़ी इलायची भी बहुत ज्यादा फ्लेवर देती है, इसको आपने 3-4 दाने इसके डाल लेने हैं, ठीक है। काली मिर्चें आप अपनी मर्जी से, हम जरा ज्यादा पसंद मजे की लगती है वो, तो ये आपका वो रोमा देगी, ठीक हो गया। जब ये आप ठीक है, सबज पत्ता, तेज पत्ता भी आप डालेंगे, ये भी बहुत अच्छा, ठीक है। सफेद जीरा, हाँ जी, ये कितना डालना है? ये तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल दो, इवन दो इसमें अंदर फैट डालना है लेकिन हम इसकी सॉफ्टनेस को मेंटेन करने के लिए इसमें घी मिक्स करेंगे। अच्छा, घी कितना जी? आधा किलो। आप घी आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी इसकी जिद है, कोको मिठास देता है, हाँ ठीक है, तो इसमें हम रेगुलर घी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम चस्का पैदा करने लगे हैं, ठीक हो गया। छुआरे, ओह, इसमें बड़ी वैरायटी की जैसे थी, लेकिन ये ऐसी चीज़ें डालते हैं जो थोड़ी खड़ी रहती हैं, हाँ। काजू डालेंगे तो बिल्कुल ही बोल लेवी टाइप हो जाएगा, वो मज़ा नहीं आएगा। इसके बाद मेवे ज़रा ज़्यादा डाल देना यार, मौलवी बंदा जो है ना मेवा बहुत पसंद करता है। नहीं, गलत गाल है कि मैं वाला नहीं है। ये चावलों के अंदर अब इसको हम मिक्स कर देंगे। अच्छा, ये बड़ी एहतियात से करने पड़ते हैं, क्योंकि जो चावल भीगे हुए होते हैं ना, जब आप उनको इस तरह से मिक्स करेंगे तो वो टूट सकते हैं, इसलिए बड़े नरम हाथों से, बड़े प्यार से इसको मिक्स करना। कभी भी जिस औरत ने ये चावल पकाने, अपने बंदे से लड़ने के टाइम पे ये चावल नहीं ऐसे मिक्स करने, सारे मलीदा बन जाएंगे, हलवा बन जाएगा, गुस्सा बिल्कुल गुस्सा ना, मर्द हो जाए जो बुढ़ी ना लड़े हुए वाले चावल पकावे, नरम नरम मीठे मीठे तरीके ना बनाने। ये अंडे किस लिए आए हैं यहाँ पे? ये बेसिकली ना हमारा जितना घर में अंडा, बकरा और चिकन वगैरह यूज होता है, ये सारा ऑर्गेनिकली हम करते हैं, अपना ही है। हाँ, ये आपकी असील कुकड़ी के ये अंडे हैं? ये आपकी असील कुकड़ी के निका निका अंडा है, देखो ना निका निका। अच्छा, बाजार में आके पता चले, बाजार मुंह के सामने तुम अंदाजा हो जाएगा, आंख जुड़ा अंडा। ये है, ये ऑस्ट्रेलियन वो जो आजकल ब्रीड आई हुई है। अच्छा, ये उसके वो कहने को वो लोग वो ये भी देसी कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली है यानी कि फार्मी नहीं है, लेकिन ये बेसिकली ब्लैती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मुर्गी है वो ब्लैक कलर की। अगर हम इन चावलों को अफगानी स्टाइल में रखेंगे तो हम कोई कलरिंग यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप इसको ईरानी तरीके से करेंगे तो आप ज़ाफ़रान हल्का सा ऊपर कर देंगे, या आप एंड पे डालेंगे, या आप पकने से पहले उसके ऊपर डाल देंगे। हम इसमें ये जर्दा कलर डाल रहे हैं क्योंकि हमने इनको एक बात हो, जर्दा कलर डालने लगा इसको बिरयानी ना करना, तो मेहरबानी। नहीं, ये बिल्कुल बिरयानी नहीं है, इसमें जर्दा कलर डालेगा, ये बिरयानी की तरह होंगे भी नहीं, ये पूरे एक कलर के होंगे। अच्छा, ये पूरे मतलब लाहौर में जो है ना, ये जर्दा रंग डाल के और बिरयानी बन जाती है, और लोग बिरयानी नहीं होती, पुलाव होता है दिल पीला रंग पाया होता, ठीक है ना, जर्दा रंग आ गया, ये जर्दा रंग डाल रहे हैं। ये शिमला मिर्च भी इसका डाली है, इसका भी सिर्फ फ्लेवर ही आएगा ना, बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसका। हाँ, ये वो एक देखें जो अल्टीमेट टेस्ट होता है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्वीटनेस, सावरनेस, थोड़ा सा मिर्चें, थोड़ा सा मिठा, ये सारी चीजें का कॉम्बिनेशन को ही रेसिपी कहा जाता है। ये इसको अब अच्छा, इसको भी सिर्फ पितल की तार से, ये नीचे ना गिरे। अच्छा, मेरी बात समझ रहे? मैं समझ गया हूँ। अच्छा, ये साइड जो है, ये नीचे वाली साइड है कि ऊपर वाली साइड है? जो ये जो है ना, यहाँ से नीचे से इसको जो है ना उन्होंने होल्ड कर दिया सारा, और ऊपर से इसको बांध दिया, ये यूं जाएगी ऐसे अंदर और ये गिरेगा नहीं। इसे चिकन भी ऐसे ही जाएगा, चिकन भी नहीं गिरेगा। ओके, नीचे वाली जो है रिब केज दोनों हो गए हैं, सलाखों में लग गए हैं, और ये बोंग लग रही है। अब अच्छा, ये निकाल क्यों रहे हैं इसमें से? ये बेसिकली हम इसको ऊपर नीचे से प्रेशर वो देंगे। अच्छा, बाकी कोयले को ऊपर डाल देंगे आप? ऊपर डालेंगे, ज़्यादा ना निकाल। अच्छा, ये रखें, अच्छा रखना बड़ा आटा यार, ये मुझे
अच्छा क्योंकि हाथ जल सकता है रखते रखते यूँ यूँ करके रखेंगे ऐसे करके छोड़ देंगे ओए होए अच्छा चावल चावल अंदर जाएंगे इसके खड्डे के खैर ये बड़ा ख़तरनाक काम भाई ओए छोड़ दिया ठीक हो गया ठीक हो गया ये गई बोंग अंदर लेग ठीक हो गया ये रहा ना अच्छा ये इस तरह साइडों पे लगेगा ये आपका रिब केज चला रहे ठीक हो गया ये आपका अगला रिब केज चला रहे गुड गुड ठीक है लो जी ये पूरा रेडी हो गया ये पूरा खड्डा है इसको अभी बंद कर देंगे अच्छा यहाँ से ये जो इसकी मतलब जो बाहर चिमनी बनी हुई थी वो बंद कर दिया मतलब दम लग जाएगा पूरा अच्छा अभी थोड़ी देर बाद इसने बिल्कुल कुकर बन जाना और ये टोटली अब ये देखें इसको क्ले से हमने ये कर देना है इधर भी हमने क्ले लगा देनी है ठीक है और ये सब क्ले से बंद करने के बाद हमने इसके ऊपर ये जो कोयले हैं इसके ऊपर रखा आप ज्यादातर जगहों पे आप देखेंगे ना तो उन्होंने ये वाला लेवल बिल्कुल जमीन के ऊपर रखा होता है हाँ जी तो उससे चांस होता है कि हल्का फुल्का कोई हल्के फुल्के जर्रे जो है ना वो चले जाते थोड़ा सा एज को थोड़ा ऊंचा रखते हैं ताकि जब इसको खोले तो सिंपली ये क्ले रिमूव करेंगे और फिर हम अपनी चीजें निकाल मट्टी अंदर चावलों में तो इसका हमने थोड़ा सा आपने देखे बट जैसे पंजाबी में हम कहते नहीं काटी वाली गली काटी बनाई है अब ये ऊपर से सेक जाएगा ऊपर से भी नीचे से ठीक है नीचे से तो आ ही रहना अभी ऊपर से भी जाएगा ए बंदे इस तरह खलोते ना जिवें बकरा दफन दफन करना आया सी हाँ हम बकरा निकालने आए हैं यहाँ पे बकरा नहीं सारा जो भी इसके अंदर है जानवर आपका थोड़े वजन वाला ज्यादा उम्र वाला ना तो वो हमें बाद में बदवाई देंगे टाइम ज्यादा लगाना exactly. लेकिन उसके लिए उनको खड्डा भी तो बनाना पड़ेगा ना लंबा काम है कोई करेगा नहीं ऐसे नहीं वो मैं आपको तरीके बताऊंगा घर में खड्डा बनाने का अच्छा ठीक वो और है पहला खड्डा जेड़ा ना क्यों था पीपा नहीं दो बनाया छोटे होंगे उदों का शौक है की का पीपा नहीं कम खड्डा बन जाता है लेकिन वो और तरह का ओवन होता है ये ग्लव्स पहन ले आप साकिब अब चेक कर क्वालिटी ओए होए माशाल्लाह लोग कहते हैं ताड़ी सजी का स्वाद क्यों होता एलो जी ताड़ी रहा ना सही माशाल्लाह ओए हड्डियां ना रहना शुरू हो गई इसमें एलो भाई माशाल्लाह बोंग पीछे पीछे बोंग के दो हिस्से हो गए हैं मैं तुझे क्या था ना बोंग के दो हिस्से बहुत ज्यादा गल्ली है इसकी वजह जानवर छोटे का जानवर का छोटा होना क्लास है ये मजा आएगा ना खाने का अगर इससे बड़ा जानवर आप रखते तो फिर उसने क्या करना था कि वो इसके साथ मैच नहीं करना टाइम लग जाना ज्यादा उसको काम है ये भाई ओ खैर माशाल्लाह 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 ओ खैर छुआरे चेक करो जरा क्योंकि इसमें ये दाना इतना बड़ा दाना माशाल्लाह से क्लास का है ना क्लास का लेकिन सेल है हाँ। ये महंगा वाला क्योंकि ये इसमें हमारा बासमति चल नहीं सकता उसका पपा बन जाना इसका पूरा आपका टेक्सचर रहेगा फौरन क्रैक करना शुरू हो जाता है हाँ जी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी होती है ना खड्डे में तो सेला होल्ड कर लेता है हाँ जी हेलो जी अरोमा चौलों का पला तो घट है अब बता ये आई बोंग हेलो जी बोंग तो आपने भाई को क्या कहा था शेरू की तरह वो भाई का फोन जो साकिब
अब तूने ईमान के साथ सच्ची सच्ची ये बाइट दे के बताना कि तुझे मजा आया कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं 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 ना, 10/10 नहीं मैंने चाहिए। कोई मजाक नहीं है, कोई मजाक नहीं है, नहीं है ना? बहुत कमाल का। हेलो जी, साथ साथ की खींचो। ये सही उस लेवल का है, नजर बड़ी हो। ये वो जो पेशावर का लेवल है ना, चुई रखता है थोड़ा सा, थोड़ा सा गोश्त का टेक्सचर बरकरार रहता है, ताकि आपको उसमें जूसेस आए। यार बिल्कुल गला हुआ नहीं है, हमने करना ही नहीं ना। हाँ, ये स्किन वाला, स्किन वाला चिकन चख ले पहले, देख लो। अभी कर रहा हूँ। ओए होए, चलो चुप उधर जाके खा। जा देखो आप लोगों के साथ ऑप्टिमम। अब बिस्मिल्लाह करके, अब ये बाहर से क्रिस्पी है। चुप चुप चुप, चलो चुप उठाओ। बहुत कमाल है यार। जैसे कोई शादी वगैरह पे आप जाए ना, जैसे दुल्हन के इर्द गिर्द फोटोग्राफर होते हैं ना, ये चेक करो रहे इधर। माशाल्लाह ये सारी तस्वीरें चल रही हैं इसकी। ये दुल्हन निकल के बाहर आई है भाई। अच्छा मुझे बताएं, अगर ये कमर्शियली अवेलेबल है तो कैसे अवेलेबल है? जो हम इसका, यानी कि ये तो ट्रेडिशनली एक विलेज मेथड से बना है, लेकिन हमारा जो इस वक्त हॉटेस्ट सेलर अंबरसरिया में है वो हमारा खड्डा प्लेटर है। अच्छा, उसमें तो हम आपको लेग शोल्डर जो कहेंगे, जो कहेंगे हमारे पास हर पोर्शन अवेलेबल। अच्छा, और ये इसकी कितने की सर्विंग होती है, कितने लोगों के लिए होता है और कितने का होता है? हमारा जो इसमें हमने मल्टीपल प्लेटर्स रखे हुए हैं, 4 बंदों का, 6 बंदों का, 8 बंदों का, 20, 40। अच्छा, यानी इस साइज में आपको 8-8 पोर्शन आ जाता है, तो वो सारे अवेलेबल हैं। यानी एक अच्छी फैमिली 9-10% की अगर ऑर्डर करती है ना, 12,000 वाला प्लेटर, तो उसमें कबाब्स भी होते हैं, ये खड्डा भी होता है। अच्छा, एक पोर्शन, तो वो आराम से 10-12 बंदे खा लेते हैं। सही, सही। ये जो है ना, ये सिंपल चावल, चावल का दाना देखो माशाल्लाह। ये आ गई है मुर्गी की टांग, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल खड़े हुए भी नहीं है और बिल्कुल हलवा भी नहीं बना हुआ, थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो गए हुए क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। और लेकिन जो चावलों के अंदर फ्लेवर है ना, वो बड़ा कमाल का, क्योंकि इसमें उन्होंने छुआरे वगैरह भी डाले थे और बादाम भी डाले थे उसके अंदर, और सारा जो गोश्त का सारा फ्लेवर है उसके अंदर चला गया, उस वजह से इसका फ्लेवर बहुत कमाल का, मतलब पुलाव से ज़्यादा जो फ्लेवर होता है ना, जिस तरह क्योंकि हमने मसाले भी बहुत ज़्यादा इसके डाले थे ना, उस सबका फ्लेवर मिक्स होकर आ रहा, खाली पुलाव भी नहीं लग रहा और सिर्फ लाहौरी चावल भी नहीं लग रही है, ये दोनों चीज़ें मिक्स हैं। जी ये मटन और साथ ही चावल, बहुत अलग है। अच्छा यार, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था तो मैं प्रॉपर तरीके से रिव्यू देने से कहा, मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ कि मटन बहुत कमाल का था। मटन के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ्लेवर नहीं था, एक्चुअली मटन का जो फ्लेवर है वो था। बोंग के अंदर बोंग जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल थी, और चिकन की जो स्किन थी ना, वो स्किन बहुत क्रिस्पी थी आउटर साइड से, और अंदर से जो था चिकन बहुत सॉफ्ट था। बहुत कमाल का फ्लेवर था सारी चीज़ों का, और चावलों के साथ मिलके जब सारी चीज़ें बन रही थी तो बहुत कमाल किस्म का फ्लेवर आ रहा था। तो ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको सिर्फ इसके बारे में बताना था कि अगर आप खाना चाह रहे हैं तो अंबरसरिया आपको ये मिल सकता है। अब चूँकि रमज़ान स्टार्ट हो गया है तो अंबरसरिया रेस्टोरेंट के ऊपर एक सैरी भी करेंगे जाके, वहाँ पे जो देसी खाना मिलता है वो सारा आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। उसमें आपको हरीसा मिलता है, मटन बोंग पाए मिलते हैं, नान चने मिलते हैं, निहारी मिलती है, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा इंशाल्लाह। तो आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिस इज माय इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। आपसे गपशप होती है, मुलाकात होती है, लाइव जाता हूँ, और शॉर्ट वीडियोज इंस्टाग्राम के ऊपर भी आती है और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आती है जिसका नाम है साकिब मोबीन शॉर्ट्स, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।